गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्रेसर पर आज स्टार्ट करेंगे आर्गुमेंट्स। ठीक है, आर्गुमेंट्स को टेन से यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम एंगल्स से बोलते हैं, स्लॉप बोल सकते हैं, किसी भी टेंजेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पास क्या होता है, ए प्लस आर का बी। ठीक है, इससे हम फाइंड कर रहा हूँ टेन थीटा, और क्या लिखते हैं रिमेनिंग पार्ट्स अपॉन रियल पार्ट्स, मीन्स बी अपॉन ए। अब देखो आर्गुमेंट्स का साइज क्या होता है, ए आर बी टारगेट टू थ्री वन ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, थीटा। थीटा का मतलब क्या हो गया आपका, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, इस टेन का ट्रांसफर करते हैं। तो फॉर्मूला फाइंड हो गया आपके पास आर्गुमेंट्स का। अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंजेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स और मॉड्यूल्स, हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन से। एक बात ध्यान रखना, जब भी से फाइंड हो एंगल्स को तो उसी कोऑर्डिनेट का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं और कब कौन सा कोऑर्डिनेट यूज होता है, जिससे वैल्यू फाइंड करते वक्त आपसे नहीं हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की बता देता हूँ आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए प्लस आर का बी प्लस होता है नॉर्मल, सेकंड में ए माइनस आर का बी देन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसका मीन्स पाई माइनस आर दो ही फाइंड करते हैं। थर्ड, जब दोनों ही माइनस में हो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या जाएगा, पाई माइनस थीटा और माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ए प्लस बी, सेकेंड में माइनस ए प्लस बी, सॉरी है थर्ड में दो माइनस, इसमें ए प्लस माइनस बी माइनस थीटा। ठीक, नॉर्मली सबसे ज़्यादा एक्स वाई देखो, यहाँ एक्स प्लस होता है, यहाँ पर एक्स माइनस होता है, वाई प्लस और वाई माइनस, इसके लिए क्या होंगे एक्स प्लस आइडा वाई, एक्स माइनस प्लस आइडा वाई माइनस एक्स माइनस आइडा वाई एक्स माइनस आइडा फोर के। तो आप क्लास में ग्राफ सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग भी याद नोट डाउन। देखो एक एक एग्जाम्पल देते हैं, वन माइनस आर, ठीक, इसका हमें क्या फाइंड करना है आर यू। देखो क्वेश्चन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है, रियल नंबर इवेनिंग पार्ट्स और अपॉन रियल पार्ट्स, इवेनिंग पार्ट्स कितना आपके पास माइनस वन, रियल पार्ट्स वन, किस क्वार्टर में सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड में टेन प्लस माइनस क्या होती है, अब ध्यान रखो टेन प्लस माइनस वन होता है आपके पास, तो सॉरी फोर्थ क्वार्टर में फोर माइनस के 45 पर, तो किस एंगल से मिल सकती है माइनस 45।
टेन माइनस 45, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री माइनस, ट्रिग्नोमेट्री आपको जब स्टार्ट करेंगे तो जब हम आपको एंगल्स फाइंड करना चाहेंगे कैसे फाइंड किए जाते हैं और क्वाड्रेंट कैसे फाइंड किया जाए, आप उतना ध्यान रखना है इस क्वाड्रेंट में सात से मीटर दूरी कर, नोट करो फाइंड द मॉडुलर एंड आर्गुमेंट, क्या क्या फाइंड करना है, मॉडुलर और आर्गुमेंट। मॉडुलर फाइंड करना और एक थीटा फाइंड, ठीक है, थीटा भी बोल सकते हो आप से क्वेश्चंस की इक्वेशन नोट कीजिए, 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस 3 आइटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए करेंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है, सेंट कर दिया 1 माइनस प्लस 3 आएगा 1 प्लस 3 आएगा, ये रिलेशन कर दिया 1 इंटू 1 1 1 इंटू 3 3 2 इंटू 1 2 2 इंटू 3 6 और आएगा 5 स्क्वायर, ठीक है, नीचे a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या गया, कितना जाएगा आइटा की वैल्यू कितनी की बोलते हैं अपने पास, माइनस 1 माइनस 6 1 माइनस 5 प्लस 5 आइटा 1 प्लस 3 का 9, ठीक है, कितना आ गया माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 5 से कैंसिल किया माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 आएगा, ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, पहले मॉडुलस देखेंगे, यह जेड इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस का प्लस 1 बाई 2 रियल पार्ट और ऑब्जेक्ट माइनस वन बाई टू, इमेजिनरी पार्ट ऑब्जेक्ट प्लस वन बाई टू, ठीक है, नोट डाउन, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपका शो हो गया, मॉड ऑब्जेक्ट रियल पार्ट का स्क्वायर है फिलहाल इमेजिंग पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 1 बाई 2 माइनस का स्क्वायर, इमेजिंग पार्ट 1 बाई 2 स्क्वायर 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 दोनों प्लस किया तो 1 बाई 2 1 4 तो आप ट्वाइस करते तो 1 बाई 2 हो जाए तो 1 अपॉन रूट, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर दिया रूट टू अपॉन मॉड ऑफ जेड फाइंड, ठीक है, 1 अपॉन रूट टू भी आप सो नोट डाउन कीजिए। अब आर्गुमेंट से बात, एंगल टेन थीटा इक्वल टू के पास होता है मेरी पार्ट और रियल पार्ट, मेरी पार्ट का 1 बाई 2 रियल पार्ट माइनस 1 बाई
यह क्या आता है आपके क्वेश्चन से, एक्स प्लस आर का वाई, एक्स माइनस आर का वाई किस कंडीशन में निकलता है, रियल पार्ट माइनस का और मेरे पार्ट प्लस का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का मतलब आपके लिए ना फाइव माइनस थ्री, थ्री का फाइव करना होगा, ठीक है, वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल तो माइनस, ठीक है, माइनस वन को भूल जाओ आप, ठीक कितना मिनट हमने क्लास में हमने सीखा है, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती है, वन, ठीक है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू टेन चाहिए, थीटा कितना आ गया 45, लेकिन हमारे माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर में देखिए फाइव माइनस फाइव बाई फोर, 180 में से 45 को माइनस किया आपको शो रखना है कि किसमें क्या होता है, फाइव माइनस थीटा माइनस फाइव माइनस थीटा माइनस थीटा और प्लस थीटा, उसके अकॉर्डिंग से अभी कौन से क्वाड्रेंट है, ठीक है, ठीक टेबल्स में देख के आप लोगों को क्यों नहीं है, आपके पास मॉडुलस आर्गुमेंट्स के एग्जांपल होंगे, आज से एक फॉर्म आती है कॉलम फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, अगर किसी ने एप्लीकेशन को कन्वर्ट करने के बाद मॉडुलस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स अंदर की दी होती है किसके इक्वल होती है, उस बात की हम बात करते हैं, तो हमारे पास बात जेड इक्वल टू ए प्लस आर का बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म और पोलर फॉर्म क्या होती है, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आर का साइन थीटा, ये दोनों क्या होती है इक्वल, अगर हम कंपेयर करें आर कोस थीटा इक्वल होता है ए मींस रियल पार्ट और आर साइन थीटा इक्वल होता है बी इमेजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स अंदर, क्वेश्चन में अक्सर जब भी आपसे पूछा जाता है कि पोलर फॉर्म को फाइंड कीजिए, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, आर, आर क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट्स, तो आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिंग पार्ट्स अपॉन रियल पार्ट्स और क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग, नोट डाउन, एक एग्जाम्पल है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर है जगह आपका जेड इक्वल टू आएगा
इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या होती है, कुछ चीजें पास करना। अभी मैंने बताया था आपको, आपने कब किया था, पहले तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरो प्लस आइटम, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी ए प्लस आइटम भी। आप पोलर फॉर्म के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म कंपेयर करते हैं, हमें क्या मिलते हैं, आर आर कोस थीटा, देन रियल पार्ट, रियल पार्ट कितना जीरो, ठीक है, रियल पार्ट कितने क्या आ जाएगा आपके पास इक्वेशन, एंड रिमेनिंग पार्ट आर साइन थीटा, वन इक्वेशन टू क्या प्रोवाइड करना आप, तो बहुत सारे इक्वेशन का क्या करना है स्क्वायर, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इतना आर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, क्या फॉर्मूला है दोनों में से, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी स्क्वायर की, स्क्वायर की तरह की वन, आर स्क्वायर इक्वल टू वन, आर इक्वल टू वन, ठीक है। आर क्या मॉडुलस है, मॉडुलस हमें क्या करता है प्रोजेक्टिव, यहाँ पर आर नेगेटिव फाइंड नहीं हो रहा। सेकेंड में क्या फाइंड करना है, थीटा, थीटा क्या होगा, एन थीटा इक्वल टू क्या है आपका साइन अपॉन कॉस, लेकिन साइन कॉस के लोग तो क्या सही बन जाएगा, हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन दिया था आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, कितना हो गया आर की वैल्यू वन कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू फाइव आई जीरो था, ऐसे आर साइन थीटा चेंज कर ले गया वन, आर की वैल्यू वन साइन थीटा इक्वल टू वन, देन किसको था थीटा इक्वल टू फाइव आई टू, साइन नाइनटी पे वन वैल्यू होती है कॉस नाइनटी पे कोई वैल्यू नहीं, पोलर फॉर्म आर कोस थीटा आएगा साइन थीटा, आर क्यू वन कोस फाइव बाई टू आएगा साइन फाइव, ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहिए फॉर्म में, इतना सॉल्व करते हो आपके आपके पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, एक टाइप से ये सॉल्व करने का और दूसरा टाइप देखिए जिससे हमने क्वेश्चंस किए थे, थीटा फाइंड कर देगा और मॉडुलस फाइंड कर देगा, हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं और जान लिया। अब देखो हमारे पास क्या है, वन प्लस जीरो प्लस फाइव, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड समझिए ने आर, ये नंबर क्या स्क्वायर प्लस इतने पार्ट प्लस जीरो प्लस वन वन का रूट टू एंगल टेन थीटा इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट वन जीरो, ठीक है, ये क्योंकि इनफिनाइट है, टेन इनफिनाइट किसको होता है नाइनटी डिग्री पर थीटा आ जाए। अब पोलर फॉर्म में पोलर फॉर्म आर
प्लस आयोडाई पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए और पे मॉडुलर और आर्गुमेंट्स फाइंड करना होगा। ओके बाय। अब आप एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो प्रॉब्लम होगी वो डाउट क्लासेस में पूछोगे।